हमारा घर हमारी डोमेट्री पे वीडियो बनानी है तो करने के लिए मुझे अपना मुखड़ा दिखाना पड़ेगा, इसमें मेरा नाम आता है। तो ये गेट ऐसे खुलता है और फिर बंद हो जाता है। यहाँ पे हमारे मैनेजर बैठते हैं, यहाँ पे हमारा पार्सल वगैरह सब हमें यहीं से लेना होता है। और इस साइड जो है सारे कमरे, ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे सारे नोटिस लगते हैं मेरे नाम। अमेजिंग, 2 पॉइंट्स मिले मुझे। जो लोग यहाँ के रूल्स नहीं ना मानते उनको पॉइंट्स मिलते हैं और 10 पॉइंट्स के बाद बाहर फेंक देते हैं। ये हमारी पानी की टंकी जो मेरे हाइट के बराबर है। ये पानी की टंकी जो है हर फ्लोर पे एक एक है, तो आप यहाँ से पानी पी सकते हैं। नेक्स्ट है ये कंप्यूटर रूम। ये एक्चुअली काफ़ी शांत जगह है, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। हम इंडियंस है ना, हमें हर टाइम शोर शराबे सुनने की आदत है, इसीलिए शांत जगह कम पसंद है। अब चलते हैं कमरा देखने। तो ये है सोफा, सोफा सेट। यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होके बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें रूम में इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, तो हम सब यहाँ इकट्ठे होके बात करते हैं। अब देखते हैं कमरे में चलते हैं। ग्रह प्रवेश करते हैं। यहाँ पे शूज उतारने जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी हम मम्मी तो नहीं है पर शूज पहन के अंदर नहीं जा सकते, तो शूज हमने उतार लिए हैं। तो ये है रूम, दो लोगों का रूम। एक्चुअली ये खाली रूम है, इसीलिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी सब लोग शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो ये रूम खाली हो गया। अपना रूम मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसमें मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं और मैं अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं बताना अच्छा समझती, इसीलिए खाली रूम को दिखा रही हूँ। क्योंकि खाली रूम अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे मैनेज करना है। तो शुरू करते हैं वॉशरूम से। ये गेट बंद कर देते हैं, ये ओड़ा ओड़ा अक्कड़। ये जो वॉशरूम है, ये वॉशरूम, वॉश बेसिन और कमोड, इसको क्या क्लियरली दिखाऊं, ऐसा ही है। ये छोटा सा वॉशरूम है, बट अगर आप यहाँ पे अच्छे से रहोगे तो मुझे लगता है मैनेज करना सीख जाओगे। बंद कर देते हैं जरा इसको, इसको बंद ही रखना चाहिए। और यहाँ पे हम रखते हैं शूज, ये नीचे वाले में शूज रखते हैं, और ऊपर जैसे हो गया लॉन्ड्री का सामान, हो गया झाड़ू वगैरह हो गया। ये बंद कर देते हैं, इसको ऐसे करोगे तो लॉक लग जाता है, इसमें ऐसे ऐसे पासवर्ड भी लगते हैं। जैसे दो लोगों का कमरा है तो ये दो लोगों के लिए कपड़े रखने के लिए जगह, जैसे ये पहना तो टांग दिया, और नीचे गंदे कपड़े रखने के लिए इसमें गंदे कपड़े रखते हैं। शीशा भी है यहाँ पे, आप कोई कोई सामान टांग सकते हैं, यहाँ पे जराबे वगैरह टांग सकते हैं। ये ऐसा दूसरा भी है, इसमें भी पासवर्ड लगता है। और इस साइड का आपको दिखाऊं, ये साइड दिखाती हूँ। तो ये हमें गद्दा साथ में दिया हुआ है, इसमें हमें बस चद्दर डाल के सोना है। यहाँ पे प्लग दिया है, और ये यहाँ पे ऐसे दो दिए हैं, ऐसे इसमें हम कपड़े रखते हैं, तो ये पूरा बाहर निकल जाता है। यहाँ पे ये हमारा स्टडी टेबल है,
ये स्टडी टेबल में यहाँ पे हम बुक्स रखते हैं, जैसे यहाँ यहाँ बुक्स रख लो या कुछ भी रख लो, बर्तन रख लो, यहाँ यहाँ पे जैसे मेकअप का सामान हो गया या स्टडी रिलेटेड सामान हो गया वो, और यहाँ पे कुछ खाने का सामान या आपका लैपटॉप या कुछ भी है वो यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे ड्रॉअर हैं तीन, बहुत बड़े बड़े एक्चुअली, तो ये बैठे बैठे जैसे तो बैठो ऐसे ड्रॉअर पे, मतलब मैं तो खाने का सामान रखती हूँ क्योंकि मुझे खाने की बहुत गंदी आदत है साथ साथ, तो ये तीन ड्रॉअर हैं, लेकिन जो लास्ट वाला ड्रॉअर है वो तो बहुत ही बड़ा है, तो मैं यहाँ पे मसाले वगैरह रखती हूँ और सब्जी वगैरह। और ये हीटिंग सिस्टम गर्मियों में जो है ये कूल टेम्परेचर देता है, पर उसकी डेट जो ये नीचे वो बोर्ड पे लगा देते हैं कि कब से ये कूल एयर देगा और सर्दियों में कब गर्म एयर देगा, तो इसी से मेंटेन होता है। अगर ये ऑन करते हैं, ये कमरा तो गर्म ठंडा रखता ही है और इसमें हीटिंग फ्लोर भी अटैच है, तो ये जो जमीन है ये भी गर्म ठंडी रहती है। और यहाँ पे हम अपना लगेज रखते हैं। मेरे कमरे में तो मैंने यहाँ पे स्टिकर्स बहुत लगाए हैं, मुझे कार्टून बहुत पसंद है। यहाँ पे ये बिहाइंड व्यू है, जो डॉर्मेट्री के पीछे वाला एरिया ही है, ये पर्दे लगे हुए हैं और ये खिड़की, दो मिनट मेरे में ताकत कम है थोड़ी। पीछे का व्यू है, ये वाली साइड से जो है हम सनसेट देख सकते हैं, लेकिन मेरी वाली साइड से हम सनराइज देख सकते हैं। तो ये था कमरा, अब हम चलते हैं किचन देखने, जहाँ पे हम खाना बना सकते हैं। किचन में से खाना ही बनता है, जूते पहनना जरूरी है, किचन बहुत जरूरी है। मम्मियाँ हमें खाना कैसे बनाते हैं वो सिखाती है, उसको हम यहाँ पे ट्राई नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। लेट्स गो। पौड़ियाँ हैं और पौड़ी हर फ्लोर पे ऐसे कूड़ा रखते हैं, सब पे लिखा हुआ है कि किसको किसको किस में रखना है। तो ये देखो ये टाइमिंग है, सुबह 7 बजे से रात के 10:30 बजे तक हम टाइम यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं किचन, ठीक है। और इस साइड जो है यहाँ पे वैसे सामान कुछ रखा नहीं है, पर यहाँ पे रखते हैं सामान, जैसे बर्तन वगैरह जब कमरे में जगह नहीं है तब यहाँ रखते हैं। यहाँ पे आप अपना कूड़ा रख सकते हैं, जो खाना खाने मतलब फूड वेस्ट है वो यहाँ पे फेंकना है। और इस किचन में आप देख सकते हैं जैसे 2 इंडक्शन है, हर फ्लोर पे किचन है, ये बहुत अच्छी बात है कि हर फ्लोर पे किचन है, जिसमें ये इंडक्शन है और इंडक्शन के ऊपर से एग्जॉस्ट लगा होगा और माइक्रोवेव होगा और एक रेफ्रिजरेटर है और एक फ्रीजर होगा और टिश्यू भी आपको मिलेगा और ऐसे सिंक के साथ यहाँ पे हैंड वॉश भी है। बंद कर देते हैं, ये हो गया किचन टूर, मतलब सारी डॉर्मेट्री का टूर मैं कर रही हूँ, एक इंटरनेशनल हाउस का। तुम बेचारे ये किसी की पर्सनल है। ये बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। एक्चुअली फाइनल इन्फॉर्मेशन कि इस डॉर्मेट्री में 7 फ्लोर्स हैं और 7 फ्लोर्स में जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें तो आपने देखा कंप्यूटर रूम है, मैनेजर ऑफिस है, और फर्स्ट फ्लोर के जो रूम्स हैं वो थोड़े बड़े हैं क्योंकि वो थोड़े हैंडीकैप लोगों के लिए बनाए गए हैं, और जो 7 फ्लोर के जो रूम है 1 पर्सन पर रूम है, रूम बड़ा होता है रूम, मतलब ऑब्वियसली अगर 2 बेड नहीं लगे एक ही बेड है तो रूम थोड़ा है वो बड़ा लगता है, पर वो थोड़ा महंगा है इसीलिए मोस्टली लोग जो है 2 पर्सन पर रूम लेते हैं। तो ये होगी सारी वीडियो, ये होगी सारी वीडियो, आपको सब कुछ दिखा दिया इस हाउस का, इंटरनेशनल हाउस का, हमारे घर का, हमारी डॉर्मेट्री का। बस सॉरी मैंने थोड़ा लेट बनाया और क्योंकि खाली कमरा मुझे कोई नहीं मिल रहा था, अब मिल गया तो मैंने बना दिया, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अब वेट करना, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके बाय।